व्यूअर्स, आपको चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आम इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन मटीलियम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। मटीलियम के बारे में हैरत अंगेज़ इंकशाफ हुए हैं कि इसे 12 साल के छोटे बच्चों में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे सीरियस हार्ट रिस्क पैदा हो सकते हैं। नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग सेफ्टी ने यह अनाउंस किया है कि मटीलियम, जो कि उल्टी को रोकने के लिए, वोमिटिंग को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है, 12 साल से छोटे बच्चों में बिल्कुल इसको इस्तेमाल ना किया जाए। अगर इसको 12 साल से छोटे बच्चों में इस्तेमाल किया जाएगा तो इससे जो है ना, उनको दिल का प्रॉब्लम हो सकता है और सीवियर केसेस में उनकी डेथ भी हो सकती है। तो इनको 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों में, या जिनका वज़न 35 किलोग्राम से ज़्यादा हो, अगर ज़रूरत हो तो फिर इसको इस्तेमाल किया जाए। मटीलियम टैबलेट 10 mg में आती है और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा डोज 3 दफ़ा सुबह, दोपहर, शाम, ये 30 mg से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग सेफ्टी ने बहुत सख्ती के साथ ये अनाउंस किया है कि मटीलियम का इस्तेमाल 12 साल से छोटे बच्चों में बिल्कुल भी इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि काफ़ी बच्चों की इससे डेथ हो गई है या उनको सीरियस हार्ट प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि अगर डॉक्टर आपको ये मटीरियल रिकमेंड करता है तो आप इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। जैसे कुछ डॉक्टर्स का नॉलेज अपडेट नहीं होता और वो मटीरियल रिकमेंड कर देते हैं, तो आपको बिल्कुल मटीरियल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि कोई अल्टरनेट मेडिसिन इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। शुक्रिया। लिहाजा ख़ुद भी इसके ऊपर अमल करें और आगे भी शेयर करें, क्योंकि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। आप ये सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जो लास्ट वाला है, सोर्सेज, डोमपेरिडोन मटीलियम एंड जेनेरिक्स शुड नो लॉन्गर बी यूज्ड इन चिल्ड्रन अंडर 12। मटीलियम और वो तमाम ब्रांड जिनके अंदर ये दवाई पाई जाती है डोमपेरिडोन, उनको सख्ती से मना किया गया है कि वो 12 साल से छोटे बच्चों में इस्तेमाल ना करें। अगर ज़रूरत हो तो फिर आप 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी डेली डोज जो है वो 30 mg से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।